Hello everyone. So today we're going to read the newspaper of 4th January, and let's start. So the first page as such goes, no need for extra curbs on free speech of ministers, SC. तो ये हुआ था कि भाई जो फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई कोई रीज़न नहीं है टू इम्पोज एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑफ फ्री स्पीच ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नमेंट इज़ नॉट विकेरियसली लाइबल फॉर डिस्पैरेजिंग रिमार्क्स मेड बाय देम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल या लाइबल फॉर डिस्पैरेजिंग तो मतलब अगर किसी मिनिस्टर ने कोई कमेंट किया है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो उसको कंडेम करे या मतलब गवर्नमेंट को आप यू कांट लाइक गवर्नमेंट कांट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी एक्शन अगेंस्ट यू कांट होल्ड द गवर्नमेंट लाइबल अगेंस्ट अ मिनिस्टर्स स्टेटमेंट और फिर अ स्टेटमेंट बाय अ मिनिस्टर इवन इफ ट्रेसेबल टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट और एनी प्रोटेक्टिंग ऑफ अ प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड vicariously to the government by invoking the principle of collective responsibility. तो अगर स्टेट के बारे में भी कुछ कमेंट कर रहे हैं या कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं यूजुअली 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट टू द लोकसभा एंड उसके बाद justice we held in the main judgment of the constitution when the judgment was endorsed by it is not possible to extend this concept of collective responsibility to any and every statement orally made by a minister outside the house of the people it does not have disciplinary control over the members of the council of ministers in a country like ours where there's a multi-party system and where coalition governments are often formed it is not possible at all times for a PM CM to take the whip whenever a statement is made by someone in the CM COM तो बहुत सही बात है कि भाई कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को आप एक्शन के लाइक बोलो कि हर टाइम वेब इशू करे कि क्या है भाई कैसे क्यों है कैन बी एट्रीब्यूटेड विकैरियसली टू द गवर्नमेंट विकैरियसली का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड एट सेकेंड हैंड ठीक है तो मतलब You can't attribute anything to the government by invoking the principle of COM, collective responsibility. So long as such statement represents the view of the government too, such a statement is not considered with the view of the government, then it is attributed to the minister personally. और लग रहा है कि कोई statement अगर आया है कि भाई हम नहीं we don't align with the views of the minister, तो आप government को attribute नहीं कर सकते एंड राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया वी डू नॉट बिलीव इन वॉर बट विल फाइट इट वी फोर्स टू तो ये मतलब है कि भाई उन्होंने बोला है कि हम पे कोई अटैक करेगा तो वी विल रिटेलिएट बट विल नॉट इनिशिएट द वॉर और ये सियोम ब्रिज हमें इंपॉर्टेंट है इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश तो कहाँ पर सियोम ब्रिज कहाँ पर आई है अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया हुआ है और चेंजिंग एड्रेस ऑन आधार कार्ड नाउ मेड ईजियर तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इशू है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनाउंस दैट द रेजिडेंस वुड अगेन बी एबल टू चेंज दर एड्रेस बाय हैविंग द हेड ऑफ फैमिली इंडोर्स द रिक्वेस्ट एनी अबाउट द एज ऑफ 18 कैन एक्ट एज अ हेड ऑफ फैमिली एंड कैन अपडेट द एड्रेस ऑन द कार्ड फॉर अ रिलेटिव ही और शी लिव्स विद बाय प्रोवाइडिंग अ प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप सच एज मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड The head of the family receives an SMS after the applicant pays 50 and has to go on UIDAI to validate the request. तो भाई आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं 50 रुपये आपको देनी है फी और हेड ऑफ द फैमिली के रिलेशनशिप को आपको प्रूफ करना है
and see the process, the governance process has been made easier by the government. तो गवर्नेंस में अच्छा काम है, एड्रेस आपके इश्यूज, जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसका ये अपडेट है. साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट वर्क टू फुलफिल इंडियाज़ नीड्स. तो भाई अभी एक साइन, मतलब ये मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, जो 108 इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड की गई है नागपुर में, महाराष्ट्र में. और थीम तो यही था कि इसका माइंड से सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट. तो ये दो टर्म्स हम यूजुअली देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट. ये दो टर्म्स जब हम बात करते हैं कभी भी कोई भी आंसर होता है, तो वी नीड टू लाइक कंबाइन दीज टू वर्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट. दो इशूज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, योर आंसर इज गुड टू गो. आर थिंकिंग इज नॉट मेरी टू एम्पावर वुमेन थ्रू साइंस बट ऑल्सो एम्पावर साइंस बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, हाइलाइटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन हु शोकेस देयर स्ट्रेंथ टू द वर्ल्ड. मुद्रा योजना का एग्जाम्पल दिया कि ये मुद्रा योजना से बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा है. एक बार हम मुद्रा योजना देखते हैं कि क्या है, दृष्टि का वेबसाइट. तो मुद्रा योजना जो है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2015 फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉपरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस. गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, लोन्स देती है अप टू 10 लाख टू द नॉन कॉपरेट नॉन फार्म एंड मतलब नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस. फार्म सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड नहीं है और नॉन कॉपरेट है. 10 लाख तक का लोन देती है मुद्रा, विच स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी. इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट फंड टू द नॉन कॉपरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू वेरियस लास्ट माइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, NBFCs, MFIs. डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स. तो भाई माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स को नहीं देती है ये. एक आप एक संगठन बनाइए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पे बनाइए, आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, कोऑपरेटिव बनाइए, उसको देगी. इंडिविजुअल्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे एक सिंगल एंटरप्रेन्योर को नहीं देती है. थ्री प्रोडक्ट्स मुद्रा हैज क्रिएटेड थ्री प्रोडक्ट्स आर शिशु, किशोर एंड तरुण एज पर द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड फंडिंग नीड्स ऑफ द बेनिफिशियरी माइक्रो यूनिट. तीन तरह के वो बनाए हैं कि थ्री प्रोडक्ट्स यानी कि थ्री तरह के लोन्स देते हैं. शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन आपको मिलेगा. किशोर, ये स्टेजेस ऑफ अ यंग बॉय, कि शिशु होता है, फिर वो किशोर होता है, देन तरुण बन जाता है. तो शिशु, किशोर, तरुण, 50 से 5 किशोर और 5 से 10 तरुण. लोन्स अंडर द स्कीम आर कोलैटरल फ्री लोन्स. तो कोलैटरल फ्री लोन्स हैं भाई, कोलैटरल नहीं है आपको, कुछ जमा नहीं कर, कुछ देना नहीं है आपको, कुछ गिरवी नहीं रखना है. और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, हैविंग गिवन टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, SC ST OBC बोरोवर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर्स, इनको मतलब नए एंटरप्रेन्योर्स पर हमने पूरा फोकस रखा है. एज पर अ सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने भाई 1.12 करोड़ जनरेट किया है एंड वुमेन इसमें 62% है. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ये हम यूज़ कर सकते हैं कि मुद्रा लोन्स हैज हेल्प्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू कम अप, वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन गिवन एन इम्पिटस through this Mudra scheme by the government and 62% of women are women entrepreneurs are there in the are covered in the Mudra Yojana. So that's it. Now we move on to the next article. Next page पे देखते हैं क्या है भाई, कुछ important I don't think है. Page number 3 पे आते हैं. हाँ, इसमें एक बस ये हेलीपोर्ट्स विल बूस्ट टूरिज्म. तो हेलीपोर्ट एक हम देखते हैं हेलीपोर्ट्स यानी कि हेलीकॉप्टर के लाइक को लैंड करने के लिए जो पोर्ट्स बनेंगे, दैट इज़ हेलीपोर्ट्स. और फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. हाँ, कॉल फॉर परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ बॉक्साइट माइनिंग लीज इन ओडिशा.
So villagers reach Bhubaneswar days ahead of public hearing, raise voice against granting environmental clearance to Mali Parvat bauxite mining lease. तो ये एक मली पर्वत संख्या सुरक्षा समिति है. A forum of villagers have been spearheading a movement demanding cancellation of the lease. तो सबसे पहले तो हमें बॉक्साइट के बारे में पता होना चाहिए. तो लेट्स रीड अबाउट इट ऑन दृष्टि. रीड अबाउट इट एंड नॉट ऑन दृष्टि, ऑन सम अदर वेबसाइट लोटस अराइज. बॉक्साइट इज एन इम्पॉर्टेंट ओर दैट इज यूज फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो ओर होती है वो बॉक्साइट होती है. इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम. इट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक मिनरल बट अ रॉक कंसिस्टिंग मेनली ऑफ हाइड्रेटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. तो एक स्पेसिफिक मिनरल नहीं है ये, रॉक होता है जिसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं. तो बेसिकली एक बॉक्साइड जो होता है एक मिनरल मतलब नहीं है, और ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम है. नॉट अ स्पेसिफिक मिनरल बट एक रॉक की तरह ही है जिसमें ये ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं. And these are mainly associated with laterites and occur as capping on hills and plateaus, except in coastal areas of Gujarat and Goa. तो ये हम देख रहे हैं कि ये मतलब कोस्टल एरियाज़ में नहीं मिलते हैं. और मतलब होता है कि भाई डिफरेंट क्या बोलते हैं laterites का मतलब होता है कि form by the decomposition of different kind of rocks under condition sealing aluminium and iron hydroxides. तो बहुत सारे रॉक्स का जो डीकम्पोजिशन होता है और जब वो साथ में मिल जाते हैं तो उसके बाद एक लैटराइट फॉर्म होता है. तो ये कैपिंग ऑन हिल्स एंड प्लेटोज की तरह एक मतलब हमें दिखता है, एक्सेप्ट इन कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात एंड गोवा. कोस्टल एरियाज़ में लैटराइट्स नहीं बनते हैं. एक पॉइंट यहाँ से ये निकल के आ रहा है. और लैटराइट्स जो होते हैं वो होते हैं कोस्टल एरियाज में भी होते हैं. एंड The production of aluminium from bauxite. This industry is divided into two segments. The plants for obtaining alumina from bauxite ore. Such plants are located near bauxite mines and plants for reduction of alumina into aluminium. Such plants are located near the cheap source of electricity. तो कैसे होता है, दो segments होता है. पहले तो alumina को निकालते हैं bauxite ore से, bauxite mines के पास ही होते हैं ये. फिर reduction of alumina into aluminium और near the cheap source of electricity. For one ton of aluminium 6 tons of bauxite is required. एल्यूमिनियम ओर इज ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है उड़ीसा है. 50% ऑफ द टोटल बॉक्साइट जो है उड़ीसा ही निकालता है. मैप देख लेते हैं थोड़ा बहुत रीजन्स जो हैं. साबरकांठा गुजरात में है, यहाँ पर भी बॉक्साइट ओर्स हैं. दल्तौनगंज इज इन झारखंड. लोहरदागा इज इन झारखंड. गुमला इज इन झारखंड. और द मेन बॉक्साइड बेल्ट इज कालाहांडी कोरापुट एंड बारागढ़. तो कालाहांडी बलंगीर एंड कोरापुट. सो गुजरात सेकेंड लार्जेस्ट है एंड द थर्ड लार्जेस्ट इज झारखंड. सो उड़ीसा गुजरात एंड झारखंड. तो भाई अब देखते हैं न्यूज़पेपर. और पूछ सकते हैं कि माली पर्वत बॉक्साइट कहाँ पर है. तो उड़ीसा में है. और ये इशू जो है माली पर्वत का, ये हम अपने जब हम डिबेट्स में लिखते हैं अबाउट ट्राइबल वेलफेयर वर्सेस स्टेट डेवलपमेंट माइन डेवलपमेंट का इशू आ जाता है. GS2 में या GS3 में आएगा, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लिख सकते हैं कि बैलेंस करके चलना है. और इनको कोई मतलब लीज़ मिलने वाला है इस एरिया माली पर्वत को, बट उड़ीसा के लोगों ने उड़ीसा के कुछ ट्राइबल्स ग्राम पंचायत ने इसको रिजेक्ट किया है. इसको बोला है कि नहीं हमें नहीं देना है, ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं. और एक्टिविस्ट का मानना है कि भाई EIA रिपोर्ट जो है उसने मेंशन किया कि कोई वाटर बॉडी नहीं है माली पर्वत में, पर कह रहे हैं कि भाई सर्वे आया कि भाई 36 पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं और भाई पानी का सरिया है, पानी पोल्यूटेड हो जाएगा. तो ये रीजंस हैं.
ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है. नोप. नेशनल स्काउट जम्बूरी. Preventing animal cruelty is a duty of the state. Soon, a constitution bench of the Supreme Court of India will deliver its verdict on the validity of Tamil Nadu's law permitting the practice of Jallikattu in the state. तो Jallikattu जो है Tamil Nadu में जो है organize किया जाता है, bull racing होती है इसमें. And extra information मैं देती हूँ कि कर्नाटका में जो है कम्बाला रेस होती है, बट वो बफेलो रेस होती है और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका में होती है. Jallikattu तमिलनाडु में बुल रेसिंग होती है. तो भाई ओरल आर्ग्यूमेंट्स ने बताया है कि बहुत ज़्यादा हाउ कॉम्प्लिकेटेड सम ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट आर. तो भाई डेफिशिएंसीज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग क्वेश्चंस ऑफ एनिमल वेलफेयर. तो हम एक यूजुअली एक पढ़ते हैं आर्टिकल, हम लोग यूजुअली 48 पढ़ते हैं DPSP में एंड 51 ये फंडामेंटल ड्यूटीज में. नेचुरल क्रीचर्स का मतलब ऐसा एक आर्टिकल है, तो वो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इन्होंने देखते हैं क्या लिखा है. देयरफॉर हाउ द कोर्ट चूजेस टू रिजॉल्व द क्वेश्चंस पोस्ट टू इट कम हैव अ डीप बेयरिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ एनिमल राइट्स. तो जो अब कोर्ट का डिसीजन आने वाला है तो उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या भाई हमारा क्या बियरिंग है इस चीज़ का, इस टॉपिक का. और आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर बेस्टोड ऑन द पर्सन्स. अच्छा, अंटिल नाउ वी हैव जनरली अंडरस्टूड पर्सन्स टू मीन ह्यूमन बींग्स और इन सम केस एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स जस्ट कॉपरेशन, पार्टनरशिप, ट्रस्ट एंड द लाइक. तो कभी कभी ह्यूमन बींग्स को हमने कॉपरेशन, ट्रस्ट, एसोसिएशन भी माना है. सम ऑफ द DPSP एंड FD कंटेन इन पार्ट 4 एंड पार्ट 4A रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस ऑन द स्टेट एंड ऑन ह्यूमन बींग्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, बट दीज आर अनएनफोर्सेबल ऑब्लिगेशंस. तो हाँ, हमें पता है फंडामेंटल ड्यूटीज भी कांट बी इन्फोर्स्ड एज वेल एज DPSP भी इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं. तो भाई वो है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई हमारे जो एनिमल्स हैं हम उनकी वेलबींग का देखें, हम उनका प्रोटेक्शन करें, बट उसको इन्फोर्स करने का गवर्नमेंट के पास राइट पावर नहीं है. देयरफॉर व्हेन एफर्ट्स टू लेजिस्लेट ऑन एनिमल वेलफेयर वर फर्स्ट मेड, दे डिड नॉट एमिनेट एज मच आउट ऑफ अ बिलीव दैट एनिमल्स वर वेस्टेड विद राइट्स एज इट डिड फ्रॉम अ मोर एलिमेंट्री एथिकल प्रिसेप्ट दैट अ कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑट टू मेक इट क्लियर दैट इट वॉज मॉरली रॉन्ग टू इन्फ्लिक्ट अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग ऑन एनिमल्स. इट वॉज विद दिस विजन. हाँ, तो जब ये बनाए गए थे, एनिमल वेलफेयर पे बनाए गए थे, तो ये नहीं था कि मतलब हमारा एलिमेंट्री एथिकल प्रिसेप्ट था कि यार हमारा कॉन्शियंस था, हम लोग एनिमल्स को वी आर एन एनिमल लविंग कंट्री, वी वर्शिप काउज, वी गिव ग्रेट रिस्पेक्ट रेवरेंस टू आर डियर काउज एंड अदर एनिमल्स एज वेल. तो हमारे कलेक्टिव कॉन्शियंस से ये जो एमिनेट हुआ था, ये जो बिलीव था. और इट वॉज विद दिस विजन इन माइंड दैट पार्लियामेंट इनैक्टेड द प्रिवेंशन टू क्रुअल्टी एक्ट, प्रिवेंशन क्रुअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960. तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियाँ थी. व्हेन इट क्रिमिनलाइजेस सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्शन दैट कॉज क्रुअल्टी टू एनिमल्स, इट एग्जेम्स फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इट्स कवरेज द यूज ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद व्यू टू सिक्योरिंग मेडिकल एडवांसमेंट. बट वॉट इज क्लियर एज अ सुप्रीम कोर्ट प्रीवियसली अफर्म्ड इन ए नागराजा इज दैट Jallikattu फॉल्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एक्शंस forbidden by the PCA Act. It is for this reason that the present effort at regulating the practice seeks to create a blanket exemption. तो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो ए नागराजा केस था, उन्होंने बोला Jallikattu जो है वो PCA के एम्बिट में आता है. और इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द प्रेजेंट एफर्ट एट रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस सीक्स टू क्रिएट अ ब्लैंकेट एग्जेम्पशन. तो भाई ये कह रहे हैं कि, और उन्होंने बोला है कि जो PCA में जो मतलब एक्ट्स, मतलब जो चीज़ें हमने फॉरबिडन करी हैं, जो हमने गाइडलाइंस बनाई हैं, उसके एम्बिट में ही Jallikattu फॉलो हो रहा है कि एक तरह की क्रूअल्टी है ये. तो इसलिए भाई ब्लैंकेट ब्लैन इसके लिए सीख कर रहे हैं. तमिलनाडु अमेंडेड द PCA इन 2017. इट डिड्स ऑन द बेसिस दैट बोथ द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन इश्यूज कंसर्निंग क्रूअल्टी टू एनिमल्स. इट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड Jallikattu फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द स्टैट्यूट्स वेरियस प्रोटेक्शंस. It also secured the president's imprimatur for the law that and thus attempted to save the legislation from any accusation that it was repugnant to the PCA Act and therefore president se bhi inhone secure karwa liya ki bhai ye PCA ke khilaf nahi hai Jallikattu, ye hamara traditional game hai jo hum khelte hain.
तो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पेटिशनर्स उन्होंने क्या किस बेसिस पे किया है. जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन कैन ब्रॉडली बी मेड ऑन टू ग्राउंड्स. वन, ऑन वेदर द लेजिस्लेशन पोजेसेस द कॉम्पिटेंस टू इनैक्ट द लॉ, एंड टू, ऑन वेदर द लॉ वायलेट्स वन ऑफ द अदर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डेलिनेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दो ग्राउंड्स पे इन्होंने जुडिशियल रिव्यू लिया है कि भाई क्या लेजिस्लेटर के पास इतना है पावर कि वो लॉ ये लेकर आए, और दूसरा कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में उसका खनन, उसका एक वायलेशन है या नहीं है. तमिलनाडु अमेंडमेंट्स द पटिशन क्लेम फेल ऑन बोथ ग्राउंड्स. फर्स्ट, द पटिशन रिकॉग्नाइज दैट बोथ द यूनियन एंड स्टेट हैव इक्वल पावर टू मेक लॉज ऑन प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी रिलेटेबल एज इट इज एंट्री 17 टू द कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट पे है भाई. और बट द लॉ रेगुलेटिंग जलीकट्टू अकॉर्डिंग टू देम बाई एक्सक्लूडिंग द प्रैक्टिस ऑन द पीसीए हैज द इफेक्ट ऑफ कंडोनिंग क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स एंड हेंस मस्ट बी सीन एज अ कलरेबल एक्शन दैट बेयर्स नो नेक्सस टू एंट्री 17. तो ये कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से कलर कर लिया आपने कि ये गलत चीज़ को आप कलरेबल एक्शन, यानी कि यू मेकिंग इट सीम राइट, आप उसको सही दिखाने की कोशिश कर रहे हो. सेकेंड, द पेटिशनर्स सबमिटेड दैट द सुप्रीम कोर्ट अराइव्ड एट अ क्लियर फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट एंड लॉ इन 2014. इन ए नागराजा द कोर्ट हेल्ड दैट जलीकट्टू इन एंड बाय इटसेल्फ अमाउंटेड टू अ वायलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द पीसीए एक्ट एंड द फंडामेंटल ड्यूटी कंटेन्ड इन आर्टिकल 51AG which requires citizens to protect and to improve the natural environment including forest lakes rivers and wildlife and have compassion towards ye. aur keh rahe hain ki pca ka to aapne khanan kiya hi. second to pehla inhone bola ki colorable action hai. second ki bhai isne bola tha nagaraja case mein ki bhai 51AG jo hai usme to bhai compassion bola gaya hai. और इसमें राइट, इसका जो इफेक्ट, जो वायलेशन हो रहा है इसमें जलीकट्टू में, राइट टू लाइफ का एक खनन हो रहा है एक तरीके से. द बेंच वाज कॉन्शियस दैट द राइट इन आर्टिकल 21 इज कॉन्फर्ड ओनली ऑन ह्यूमन बीइंग्स बट द एक्सपैंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ ओवर द इयर्स व्हिच इज नाउ इंक्लूडेड राइट अगेंस्ट डिस्टर्बेंस टू बेसिक एनवायरनमेंट ऑट टू मीन दैट एनिमल लाइफ मस्ट बी ट्रीटेड विद इंट्रिंसिक वर्थ ऑनर एंड डिग्निटी. तो बहुत अच्छी बात, प्यारी सी बात है ये. एनिमल राइट्स के एक्टिविस्ट यूजली बात बोलते हैं कि लाइफ सिर्फ ह्यूमन लाइफ की बात नहीं है, लाइफ में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. इंट्रेंसिक वर्थ, ऑनर, डिग्निटी भी होती है, एनिमल लाइफ भी होती है. बोथ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मेड बाय द पेटिशनर्स कॉल फॉर डीप रिफ्लेक्शन. बट द लैटर आर्ग्यूमेंट ऑन इन्फ्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज इन सेवरल अलाइड क्वेश्चंस. डू एनिमल्स हैव पर्सनहुड? डज अ आइडिया ऑफ जस्टिस इंक्लूड अ गारंटी ऑफ एनिमल राइट्स? इफ नॉट, डू वी स्टिल ओवर ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स अ फेलो क्रीचर्स? वॉट डज दैट ड्यूटी एंटेल? हाउ डज इट बैलेंस विद अदर राइट्स गारंटेड टू ह्यूमन बींग्स? तो ये एथिक्स में भी सवाल आएगा. तो वो सब है कि क्या क्या चीज़ें हमें, हम क्या क्या क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि भाई हमारी क्या ड्यूटी है हमारे फेलो क्रीचर्स पे, हम उसको उनकी बैलेंस कैसे करेंगे राइट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ. केयर टुवर्ड्स एनिमल्स ऑन एनी रीजनेबल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट माइट बी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट एनिमल्स आर प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 and 14. अ कंक्लूजन टू दैट इफेक्ट कुड वेल लीड टू बिजार कॉन्सिक्वेंसेज. आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पर्सनहुड इनवेरिएबली स्प्रिंग आउट ऑफ अ बिलीव दैट एनिमल्स स्पेशली सर्टन काइंड ऑफ एनिमल्स सच एज एप्स, एलिफेंट्स एंड व्हेल्स शेयर मच इन कॉमन विद ह्यूमन बींग्स. तो कौन कौन से एनिमल्स हमारे साथ शेयर करते हैं हमारी एक तरीके की सोच जो होती है, हमारी तरीके की जो एक बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, तो कौन कौन करते हैं? एप्स करते हैं, एलिफेंट्स करते हैं एंड व्हेल्स करते हैं. बट एज द फिलोसफर मार्था नुसबैम सेज, अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स एनिमल्स नीड्स टू हार्डली ओरिजिनेट आउट ऑफ अ सिमिलैरिटीज टू डेम. वी मस्ट इंस्टेड सी ईच फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंजनेस. तो ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमारी एक वी शेयर अ बॉन्ड, वी शेयर अ बायोलॉजिकल और सम एवोल्यूशनरी बॉन्ड विद डैम, बट बिकॉज एवरी ईच फॉर्म ऑफ एनिमल लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड ऑल इट्स स्ट्रेंजनेस. तो बहुत प्यारा सा लाइन है ये. Therefore, rather than focusing on personhood, the better approach to the dispute, the approach that maintains greater fidelity to our constitution, text and values, is to see it in the context of our own rights to live in a world that treats animals with equal concern. The judgment of A.N.A. Nagaraja hinted at this approach, but stopped short of fleshing it out. Article 21, justice held, no doubt, safeguards only the right of human beings, but the word life is today understood to mean something more than mere existence. It means an existence that allows us, among other things, to live in a clean and healthy environment. Indeed, it is possible to argue that a human right to healthy environment would include a human right to animal welfare. तो भाई बहुत प्यारी सी बात है भाई कि गवर्नमेंट्स मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटेड टू टेक मेजर्स टू हेल्प द फ्लरिशिंग ऑफ फेलो क्रीचर्स. इन दिस कॉन्सेप्शन लेजिस्लेटिंग टू प्रिवेंट एनिमल क्रुएल्टी इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट ट्रांसफॉर्म टू अ बाइंडिंग ड्यूटी ऑन द स्टेट. तो भाई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई लोगों पे नहीं छोड़ना है, स्टेट को भी थोड़ा बहुत हेल्प रूल्स बनाने हैं. ओवरली डेफरेंशियल, तो वाइल अपॉल्डिंग डिमोनेटाइजेशन एस सी फेल टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल. तो भाई इन्होंने यही बोला है कि
ये लोग लिखा है कि मतलब यूजुअली जो सुप्रीम कोर्ट है तभी इंटरफेयर करती है जब एग्जीक्यूटिव डिसीजंस पे मतलब दिखता है कि आपका आर्बिट्री है या इलीगल है, पेटेंटली इलीगल है, बहुत डिस्टिंक्टली आपको दिख रहा है कि कोई डिसीजन सही नहीं है, तब ये सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करती है। तो इसलिए अभी जो 4:1 का आया है जजमेंट, तो जो डीमोनेटाइजेशन का था उसको उन्होंने अपहोल्ड किया है कि सही था ये। और द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन वॉज टू ओनली एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि क्या डिसीजन सही था या नहीं था, डिसीजन सही तरीके से लिया गया था नहीं लिया था, पर उन्होंने हैज़ गिवन इट्स अनक्रिटिकल एंडोर्समेंट टू द प्रोसेस। उन्होंने बिल्कुल कोई बोला कि बड़ा सही ठीक था, टू मेक टू बी फ्री ऑफ लॉस, तो उन्होंने प्रोसेस को ही बोल दिया कि हाँ सही था। और इसमें एक इशू ना ये खड़ा हुआ था, जुडिशियल रिव्यू का एक आया था कि भाई जुडिशियल ओवर रीच का एक जो प्रश्न उठता है वो उठाता है इसमें कि यार गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एक्शंस के बारे में कैसे बोल सकती है, तो वो एक रेज इसमें इशू हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चंस भाई हैं, तो ये वही इशू है कि भैया मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में है गवर्नमेंट को, वही बात है कि भाई मतलब थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में दिखाया है गवर्नमेंट को इन्होंने, बट हमें पॉजिटिव ही लिखना है कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ गुड स्टेप एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द गवर्नमेंट डिसीजन टू डिमोनेटाइज नोट्स बिकॉज द इंटेंट वॉज गुड एंड देव रिव्यूड द पॉलिसी डिसीजन प्रोसेस एंड देव कंसिडर्ड इट फाइन, बट देर वर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, बट देर वर सर्टन लूप होल्स इन द होल प्रोसेस विच वर लेटर रेक्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल सफर्ड अ लिटिल बट देन द इंटेंशन वॉज गुड एंड द होल प्रोसेस वॉज फाइन एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज़ क्रूशल फॉर इंडिया टू एम्ब्रेस मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तो जो फिर एक स्कर्मिश हुई थी इंडिया चाइना की स्कर्मिश ऑन द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर हैज़ ब्रॉट द चाइनीज स्टेट ऑन द फ्रंट बर्नर अगेन, और उन्होंने तो यही बोला है कि वी हैव डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी दैट वी नेवर हैड, द थ्रेट हैड नेवर डिक्रीज बट फेलियर इन पब्लिक कॉन्शियसनेस ड्यू टू इलेक्शन ईयरिंग ब्रिज कोलैप्सेस यात्रा G20 एक्सेट्रा। तो अच्छा, एस जयशंकर जी ने बोला है कि मतलब पहले कभी ऐसा वी हैव डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी कि भाई हमने इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दी जो पहले कभी थी नहीं, बट ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इट वॉज ऑलवेज देयर, अभी लो इतना तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लो लेवल एंड जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड क्लैशेज विल कीप रिकरिंग बट वॉट दिस शुड नॉट डू इज टू लल अस इन टू अ कॉम्प्लेसेंट माइंड सेट। सॉरी एक्सक्यूज मी, द थ्रेट एक्चुअली इज एट द अदर स्ट्रीम ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। तो कह रहे हैं कि अभी जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में ही है कि भाई जो स्कफल उनके बीच में दिखाई गई थी बिटवीन द जवान बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द PLA जवान्स ऑफ चाइना, तो ये मतलब बोल रहे हैं हैंडकफ और फिस्ट फाइट नहीं है, ये बच्चों वाला गेम नहीं है, इट्स अ मल्टी डोमेन ऑपरेशनल फाइट, तो वहाँ उस लेवल पर हमें फ़ाइट करना है, और ये जो है ये बहुत टाइम से इंडिया के सर्किट में आ गया है और बड़ा लूजली इसको मतलब हम लोग हैंडल कर रहे हैं,
with true characteristics and import being understood by a few. It's not just actions on land and sea, air, cyberspace and the electromagnetic spectrum. So ये नहीं है कि हर तरीके की तरफ action करना. It comprises operations conducted across multiple domains and contested spaces through convergence of capabilities to overcome and adversary strengths by presenting it with the operational and tactical predicaments. Question बन सकता है GS3 में पक्के से बन सकता है कि what is a multi domain operations and what is India's answer to it. What is India's not answer to it, what is India's role in the MDOs and how is India threatened by these threatened or how does India wish to respond to certain threats that have come at the border. तो हम लिखेंगे मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है ये बहुत टाइम से टर्म यूज़ हो रहा है और हर तरीके से लैंड सी एयर साइबर स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं है हर तरीके के एक्शन हैं जो स्पेस में हो रहे हैं कम्बाइंड विद द कन्वर्जेंस ऑफ कैपेबिलिटीज टू ओवरकम एन एडवर्सरी स्ट्रेंथ्स बाय प्रेजेंटिंग विद ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल प्रेडिकमेंट्स. तो मतलब आप उनको बहुत सारे वो देते हो बहुत सारे आप हर तरह से उन्हें घेर लेते हो कि भाई ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए अब तुम्हें उसमें से निकलना है बहुत सारे टैक्टिकल प्रेडिकमेंट्स यानी बहुत सारे चैलेंजेस आप उन्हें दे देते हो. This means having a common operating picture across all domains which forms a basis to decide the best tool to address a given task. Hence, it is not one service using capabilities in multiple domains to do a task, but the best positioned and capable operator of any service doing it across any domain. अच्छा मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ कह रहे हैं जैसे कि आर्मी जो है वो एयरफोर्स का कुछ चीज़ देख ले मतलब कुछ डिटेक्ट कर ले आर्मी की मिसाइल बैटरी और एयरफोर्स का जो यूएवी है वो इंटेलिजेंस मिशन पे मतलब यूज़ वो किसी उससे डाइवर्ट करके आप आर्मी में यूज़ कर लो साइबर वेपन को यूज़ कर लो. तो ऐसी इसका जो आर्किटेक्चर है MDO का मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस uses any sensor and the best position suited to accomplish objectives. The technical complexity and the command, control and communication structure required can be well be imagined. MDO and its C3 structure would have inputs from all sensors to come up with an optimum engagement solution using AI. First, all sensors and or other information must be capable of being hosted on the MDO architecture. तो क्या है भाई command, control and communication structure. तो भाई पहले sensors को capable बनाओ कि भाई MDO architecture पर चल पाएँ. दूसरा है कि इनपुट्स और इंस्ट्रक्शंस उनको मिल पाए और है कि मेन स्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है जाम हो गया है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रहे कि सब काम से यूज़ कर उसको सभी यूज़ कर पाए सेंसर सब सब चीज़ जगह पे यूज़ हो सके पूरा एक MDO आर्किटेक्चर हो पूरा ऐसा एक आर्किटेक्चर हो कि हर तरीके की जो मशीन्स जो हमारे तीनों फोर्सेज के पास हैं आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तो तीनों को एक आराम से एक ऐसा स्ट्रक्चर हो कि मतलब वो उनके सेंसर्स एक दूसरे का डिटेक्ट कर सकें. दूसरा है कि उन अगर मतलब हर सोल्यूशन जो एग्जीक्यूटर है जो मशीन है वो हर तरीके के इंस्ट्रक्शंस को रिसीव कर सके एंड कैरी आउट कर सके ऑपरेशन. एंड तीसरा है कि अगर मेन स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कोई जाम हो गया है तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रहे कि अगर एक जगह से नहीं हो पा रहा है तो दूसरे की जगह दूसरे की मशीन से हो जाए दूसरे के इक्विपमेंट से हो जाए. दिस इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर वन इज़ टॉकिंग ऑफ पायनियरिंग टेक्नोलॉजीज There are only nations with a developed scientific base and a financial standing can afford. थोड़ा सा complex है थोड़ा है कि भाई एक नए तरीके का अप्रोच है डी नोवो लुक है डी नोवो का मतलब होता है भाई फ्रॉम द बिगिनिंग एक नया नया लुक है नया एक अप्रोच है ये और सब तरीके की चीज़ें सोचनी है डॉक्ट्रिन प्लानिंग एक्विजिशन ट्रेनिंग. तो भाई ये इंडिया की है या कोई फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है. Should New Delhi be pouring money and resources into an American concept that may not concern us? तो क्या ये मतलब हमारे लिए क्या ये सही है ये अप्रोच रखना. कहते हैं चाइना जो है भाई वो कोशिश कर रहा है US को मैच करने की वो भी पीछे नहीं हट रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को भी बड़ा आराम से देख रहा है. एंड वेर वेस्टर्न स्पेशलिस्ट आर हेल्पिंग यूक्रेनियंस यूटिलाइज द पावर ऑफ एल्गोरिदम्स to fuse reconnaissance from space and choose the best shooters to strike Russian targets. तो यूक्रेनियंस आर यूजिंग द courageous fighting spirit. तो भाई वो देख रहा है क्या कर रहा है ये रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है यूएस क्या कर रहा है.
तो यूक्रेन में भी MDO यूज़ हो रहा है, मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, तो इंडिया अगर पीछे रह गया, डिनाइल में रहा कि भी नहीं है, तो बीजिंग अगर मास्टर कर लिया तो फिर भाई इंडिया को भी मेरेज तो करना ही पड़ेगा। चार प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बताई है। फर्स्ट, इन द शॉर्ट टर्म, मतलब बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है ये, मतलब लिखने को आ सकता है ये GS3 में। अब मल्टीपल, मतलब दो चार चीज़ें पॉइंट्स जो मुझे याद आ रहे हैं अभी, पहले तो एक रशिया यूक्रेन ने यूज़ कर रहा है ये MDO, और हर तरीके की फील्ड में यूज़ होगा, एयर, वाटर, लैंड, साइबर डोमेन हमने पढ़ा, और भी हमने चीज़ें पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और मतलब प्रेडिकम, हर तरीके से आपको अपने दुश्मन को वो कंट्रोल में करना है। फोर प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी क्या है? शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडिशनल फिजिकल डोमेन्स, आप पहले उनको स्टेबलाइज करो। सेकेंड है कि भाई जो C3 कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसको थोड़ा हार्डन करो अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। थर्ड जो है, पहला जो है भाई ट्रेडिशनल फिजिकल डोमेन को स्ट्रॉन्ग करो, दूसरा है कि साइबर थ्रेट के अगेंस्ट जो हमारा कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको हार्डन करो, तीसरा है कि सीमलेस डेटा जो है इंश्योर हो सके, तीसरा है कि भाई पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट करो कि आप उसको समझ पाओ। ये तो अभी से वेस्टर्न लिटरेचर है कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बट थोड़ा एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह पे आप एक स्टार्ट करो, एक उसको इम्पीटस दो, एक किक स्टार्ट दो। आइडिया ऑफ द मनी इज़ नेसेसरी। हाँ, मनीज़ का भी सोचो कि कहाँ से फंड्स जनरेट होंगे। एंड फाइनली, टू गेट द फंडामेंटल्स ऑफ MDO राइट, इट इज़ वाइटल टू ट्रेन एंड एजुकेट पर्सनल स्टार्टिंग नाउ। इंसिडेंटली द US एंड फाइनली टू, हाँ, फंडामेंटल्स आपको इसके राइट करने हैं, तो जो आपको आपको पर्सनल इस चीज़ के लिए चाहिए रहेंगे उनको आप ट्रेनिंग दीजिए। US Air Force 1 साल की ट्रेनिंग दे रहा है, क्रिटिकल ट्रेनिंग दे रहा है भाई, और वहाँ पे आप ट्रेनिंग दीजिए उनको। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द फेस ऑफ वॉर, हिस्ट्री इज विटनेस टू पेरल्स ऑन द बैटल फील्ड इफ़ साइंटिफिक एडवांस ओवरलुक। अगर हमने इसको ओवरलुक कर दिया तो भाई हिस्ट्री हमारी है और हमको बहुत पेरल्स, विटनेस टू पेरल्स, उन्होंने हिस्ट्री ने देखा ही है कि पेरल्स हो जाएंगे अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर नहीं कर पाएंगे। तो द रीसेंट ब्रॉल्स एट पैंगोंग सो, गलवान एंड यांग से, हाँ, तो इनकी लोकेशन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंट है। और दिस मे नॉट बी एन एरा ऑफ वॉर एज समवन फेमसली सेड रिसेंटली, बट होमिलीज आर फॉर पॉलिटिशियंस एंड नॉट फॉर प्रोफेशनल्स। द प्रोबेबल पाउडर मस्ट नॉट ओनली स्टे ड्राई बट मस्ट बी अपग्रेडेड इन टाइम। तो बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट है भाई इनका, देखते हैं एक सेकेंड। तो ये है भाई हमारा जो कार्यक्रम पास है ऊपर, फिर दौलत बेग ओल्डी, वाई जंक्शन, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स। हम जो कैसे याद करेंगे, ऊपर काराकोरम पास है, फिर दौलत बेग ओल्डी रोड है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं, देवसंग जो है बीच में पड़ रहा है, ऊपर काराकोरम पास है, दौलत बेग ओल्डी, वाई जंक्शन, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स हैं, पैंगोंग सो है, और साउथ में फिर पैंगोंग सो नीचे है, ठीक है। आर्टिकल है ब्राज़ील के इलेक्शंस पे है कि लूला आ गए हैं बोल्सोनारो की जगह पे, तो भाई अब उनको उसको रिप्लेस करना चाहिए। एंड बोल्सोनारो वाज अ डिक्टेटर, सो थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में, सो वी शुड स्किप इट। लेट बट राइट कॉल बाय केरला गवर्नर, तो अभी ऊपर एक न्यूज़ पढ़ रहे थे हम कि भाई एक जो स्टेट मिनिस्टर था सेजी चेरियन, उसको रीइंस्टेट कर दिया है केरला गवर्नर ने। और आर्टिकल 163 जो है वही बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू गाइड एंड एडवाइस द गवर्नर, तो चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, हु शैल ऑल्सो अपॉइंट द अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऑल मिनिस्टर्स मस्ट शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। Citing this, Mr. Khan had earlier threatened to drop the ministers who had allegedly insulted him in public. Later on, it was pointed that such a step cannot be taken and the pleasure doctrine cannot be stretched too far. तो उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन की रिस्पेक्ट करी है और बोला है कि इसको हम लोग और फार नहीं ले जा सकते। ऑब्वियसली ये तो मतलब ये तो हमको समझ में ही आता है
कि गवर्नर की पावर प्लेजर पे नहीं चलती है, बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये इशू जब हम कभी फेडरल रिलेशनशिप पे या गवर्नर की पोजीशन पे लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि ये मतलब आर्टिकल 164 लिखेंगे, 163 लिखेंगे एक तो, और प्लेजर डॉक्ट्रिन लिखेंगे कि नहीं होती गवर्नर के पास, और ये चैरियन सैरी चैरियन का एग्जाम्पल डाल देंगे। आर्टिकल में कुछ ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम फेडरल इशूज़ पे गवर्नर की बात करेंगे तो हम ये एग्जाम्पल बस डाल सकते हैं, द लिंक बिटवीन डायबिटीज़ वेल्थ एंड अवेयरनेस, रिच मैन डिजीज़ बोलते हैं डायबिटीज़ को यूजली, एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से भी होता है। तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो था फिफ्थ वाला बिटवीन 1919 एंड 2021, उसने भी अग्री किया है कि भाई सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसकी वजह से होता है, और वॉज लोएस्ट इन द पुअरेस्ट 20% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया, इट वॉज रिचेस्ट हाइएस्ट इन द रिचेस्ट 20। अच्छा तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो लोएस्ट होता है जो गरीब होते हैं, एंड जो हाइएस्ट होता है जो रिचेस्ट 20% होते हैं। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हाँ तो NFHS क्लासिफाइज एन इंडिविजुअल एज हैविंग हाई ब्लड ग्लूकोज इफ द रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल वॉज बिटवीन 141 एंड 160 मिलीग्राम पर DL, एंड वेरी हाई ब्लड ग्लूकोज इफ इट वॉज मोर देन 160 mg per DL, DI or DL, लेस देन 140 इज कंसिडर्ड नॉर्मल। अच्छा हाई ब्लड ग्लूकोज है अगर 141 से 160 और 160 से भी ऊपर है तो यू आर फर्स्ट स्टेज डायबिटिक। NFHS के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
मल्टी लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करवाती है, और इन्होंने IIPSI एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, ये इनके द्वारा करवाती है। तो अभी पांचवी बार हुआ है, 1989 से 1992 से स्टार्टेड हुआ था, इट स्टार्टेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, ऑन द लीगैलिटी ऑफ इजराइल्स ऑक्यूपेशन। एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें मैंने देखा था इंडिया एब्सटेंट, और दो पॉसिबिलिटीज होती हैं व्हेन अ रेफरल इज मेड टू द ICJ, इट कैन ईदर लीड टू अ सेटलमेंट विद द पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, और इट कैन लीड टू अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। तो एक तो होगा कि एक सेटलमेंट होगा विद द पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, और इट कैन लीड टू अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो भाई सेटलमेंट हो जाएगा, या तो ट्रायल होगा। ICC के पास मतलब बाइंडिंग तो होती है रूलिंग, पर कोई पावर नहीं है एनफोर्स करने की। जो करंट पार्टी है राइट विंग कोलिशन है, 5 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं, 5 राइट ज्यूइश नेशनल पार्टीज हैं, तो इसीलिए एंड लेट्स लुक एट द लोकेशन ऑफ इजराइल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी लोकेशन देखना। तो इसराइल की जो बॉर्डरिंग नेशंस हैं, एक तो इजिप्ट है, और सीरिया है, इराक, सऊदी, तो TSIS, देख लो, एक तो याद हो जाएगा, टर्की बॉर्डरिंग नहीं है, सॉरी, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, जॉर्डन है, पैलेस्टीन भी है यहाँ पर ही, इराक है, सऊदी है, इजिप्ट है, हाउ इज इंडिया मूविंग टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। तो मेटी जो है इस सेक्टर को रेगुलेट कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को, और आइडिया इज़ टू इंश्योर दैट ऑनलाइन गेम्स आर इन कन्फॉर्मिटी विद इंडियन लॉज एंड टू सेफ गार्ड यूजर्स अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म। बस जो इम्पोर्टेंट है वो है MIT है के अंडर है ये, और इनका भाई इनका यही आइडिया है कि इंश्योर है कि ऑनलाइन गेम्स जो हैं वो कन्फॉर्मिटी विद इंडियन लॉज हों, ऐसे कोई गेम्स नहीं हों कि भाई जो खेलने योग्य ना हों, और यूज़र एंगेजमेंट रहे, वैसे वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहे, तो अच्छा है, सबने वेलकम किया है कि भाई ऐसा लेजिस्लेशन आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, MIT इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑनलाइन गेमिंग इज रेगुलेटेड बाय द MIT, रिकॉग्निशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन बैलेंसिंग आइडेंटिटीज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। रिकॉग्निशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंसिंग आइडेंटिटीज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। तो ये रिकॉग्निशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन बैलेंसिंग आइडेंटिटीज एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, तो मेजरली इसमें मतलब आई डोंट नो थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मोर इन लाइन्स विद वेस्टर्न टेक्नो मतलब टर्म्स जो होते हैं ना, इन्होंने बोला कि सोवियत यूनियन का फॉल हुआ और भी चीज़ें जो उस टाइम पे एंड हुई,
कोल्ड वॉर एंड हुआ, डिक्लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो एक नया ग्लोबल कैपिटल वर्ल्ड ऑर्डर आया. और फिर उसके बाद नई नई इशूज़ रेज हुए, आइडेंटिटीज़, कल्चरल आइडेंटिटीज़ लाइक रेस, सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड एथनिसिटी. तो ये सब नई नई चीज़ें आई पॉलिटिकल स्पेस में, डिस्कशंस अबाउट दीज स्टार्टेड टू हैपन. तो दीज वेंट हैंड इन हैंड विद अबाइडिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटी ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लिबरल ऑर्डर. तो नया लिबरल ऑर्डर आया तो भाई साथ में ये वाली बातें भी हुई, जेंडर, ये सब रेस, एंड साथ में इसकी ये बातें होने लगी इकोनॉमिक इनक्वालिटी के बारे में. फ्रेसर फुकुयामा का नाम दिया हुआ है, नहीं हाँ फ्रांसिस फुकुयामा का दिया था. कंटिन्यू. या तो इसमें मेजरली मतलब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बोल रहे हैं कि कास्ट एस्पेक्ट भी देखना है, जो नए इश्यूज आए लाइक रेस, सेक्सुअलिटी, जेंडर, एथनिसिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो उसमें एक नया एस्पेक्ट जो इंडिया ने ऐड किया वो कास्ट एस्पेक्ट था, कि कास्ट के बेसिस पे जो एक एक जो एक फाइट जो होती है जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, आई एम सॉरी, मतलब जिसके लिए इशूज़ हैव बीन रेज्ड, जिसके लिए एक नया लिबरल ऑर्डर, जब हम न्यू लिबरल ऑर्डर की बात करते हैं. मतलब जब हमने देखा कि आफ्टर दिस मतलब ये एक एक मैं एनालिसिस जो मैंने रीड किया उस हिसाब से जो मैं पढ़ पा रही हूँ कि नए नए मतलब जब ये कोल्ड वॉर एंड हुआ, अपार्थाइड साउथ अफ्रीका में जब ख़त्म हुआ, तो नए थिंकिंग एवोल्यूशन होने लगा, नए आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन होने लगा, नए पॉइंट्स निकलने लगे कि किस किस बेसिस पे लाइक पीपल आर स्ट्रगलिंग. तो जो वो नया स्ट्रगल निकल के आया उसमें कास्ट एस्पेक्ट भी आया इंडिया में. और इंडिया का कास्ट एस्पेक्ट बता रहे हैं कि सिंगुलर पॉलिटिकल इंडिया सोशल रियलिटी व्हेन अप्लाइड प्रेजेंस इटसेल्फ एज अ सिंगुलर पॉलिटिकल पजल विच कुड बी एड्रेस थ्रू द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस वे कल्चरल डिवेल्युएशन एंड इकोनॉमिक इनक्वालिटीज बोथ हैव सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. इंडियाज कास्ट हायरार्की हाउएवर इज सिंगुलरली यूनिक व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन. थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में है, ब्राह्मणिज्म बारे में है, तो वी आर नॉट हियर टू लाइक क्रिटिसाइज एनीबडी एनी फॉर्म ऑफ रिलीजन. सो आई थिंक लेट्स स्किप इट बिकॉज वी वोंट बी एबल टू राइट इट इन योर आंसर्स. नेक्स्ट पे चलते हैं. गरीब कल्याण अन्न योजना तो हमने पढ़ लिया था, पहले आया था कि डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने. तो उस पर कुछ नहीं है. नॉट ऑल रिलीजियस कन्वर्जन्स आर इलीगल.
हाई कोर्ट जो एक थी, मतलब जो हाई कोर्ट थी मध्य प्रदेश की, उन्होंने बोला था कि भाई मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था कि भाई किसी को अगर कन्वर्ट करना है तो 60 डेज़ प्रायर इंटीमेशन देना है टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो हाई कोर्ट ने उस डिसीजन के लिए मतलब फ्रीज लगा दिया और बोला कि भाई नहीं, ये सब मैंडेटरी नहीं होता है एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हाई कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट वॉज लिसनिंग टू इट, टू द हियरिंग, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट डिसीजन के खिलाफ फिर से केस फाइल किया था। केस नहीं फाइल किया था, मैं सॉरी, बहुत ही गलत वर्ड यूज़ किया, गवर्नमेंट अपील फाइल करी थी। तो यही है, ये हम लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन या कोई सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नॉट ऑल रिलीजियस कन्विजन्स आर इलीगल, ऐसा स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एंड कन्वर्जन, ऑल ऑल कन्वर्जन्स आर नॉट इलीगल। तो स्टे नहीं लगाया है, फिर इन कॉल विद किंग चार्ल्स पीएम डिस्कस G20 क्लाइमेट एक्शन। तो किंग चार्ल्स III जो है यूनाइटेड किंगडम का, उन्होंने बात करी है एंड डिस्कस G20 प्रेसिडेंसी एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। लोडिंग, तो क्या क्या चीज़ों के बारे में बातचीत करी है उन्होंने? क्लाइमेट एक्शन पे बात करी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग एनर्जी ट्रांजिशन, तो कुछ इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इन्होंने बात करी है। तो वो हैं क्लाइमेट, हर देखो ये जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये आप हर आंसर में कोट कर सकते हो। आज के जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं उसमें क्या क्या इश्यूज़ इवॉल्व हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है बिकॉज ऑफ चेंजिंग सीजन्स, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, क्लाइमेट चेंज हो गया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया, इनोवेटिव सोल्यूशंस फॉर फाइनेंसिंग एनर्जी ट्रांजिशन, तो हाँ इनोवेटिव सोल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन लेड एम्पावरमेंट, जो अभी हमने सुबह सुबह अभी हमने जो न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में ही पढ़ा, अबाइडिंग, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस दिस अप्रिसिएशन फॉर हिज मैजेस्टीज अबाइडिंग इंटरेस्ट एंड एडवोकेसी इन फॉर द इशूज़। तो बस यही है, प्रोपगेशन ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स, द रेलिवेंस ऑफ मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट थ्रू विच इंडिया सीक्स टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। तो मिशन लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये मिशन लाइफ स्टाइल फॉर नाम, नाम से समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि भाई ऐसी लाइफ स्टाइल क्रिएट करें हम कि मतलब एक एक इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। ये इंट्रोड्यूस अभी अभी ग्लासगो जो था उसमें हमने COP26 में हमने ये इंट्रोड्यूस किया, ये आइडिया है लाइफ स्टाइल का, P3 मॉडल, प्रो प्लानिट पीपल। इट एडवोकेट्स फॉर द सेक्युलर इकोनॉमी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल।
pro planet people. हाँ तो मिशन लाइफ मेक्स एवरी वन ट्रस्टीज ऑफ द एनवायरमेंट. ट्रस्टी इज समवन हु डज नॉट अलाउ इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज. अ ट्रस्टी वर्क्स एज अ नर्चरर एंड नॉट एज एन एक्सप्लॉइटर. तो मतलब एक इंडिविजुअल भी जो है अपनी लाइफ का एक लाइफ स्टाइल का एक अच्छी लाइफ स्टाइल का पार्ट बने, ये है. तो यही था इसमें. ये तो हमने पढ़ी लिया. पी एम सी एम्स हैव नो डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेज एससी. देन फंक्शनरीज शुड मोर बी रिस्पॉन्सिबल इन द स्पीच. तो ये तो हेट स्पीच वट एवर इट्स कंटेंट में भी डिनाइज ह्यूमन बींग्स द राइट टू डिग्निटी. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिस ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया. तो आप कोई भी अच्छी सी स्टेटमेंट आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें ही बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो बेडरॉक है, जो हमें अच्छी डेमोक्रेसी देता है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इंश्योर करता है ना. तो ये सब तो वी नो, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. स्पिरिट ऑफ सेंसिटिविटी टूवर्ड्स ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये सब तो ठीक है. स्पिरिट ऑफ सेंसिटिविटी है ना, ये सब वर्ड्स अच्छे वर्ड्स हैं. स्पिरिट ऑफ सेंसिटिविटी, लिविंग डॉक्यूमेंट, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी. SC raises concern on small fishermen hit by purse CN nets. Court asked center to file an affidavit for interim solution while hearing a plea against reversal of TN's order banning such fishing in deep sea. तो state of Tamil Nadu ने बोला है कि ये एक तरीका होता है फिशिंग नेट्स ऐसी होती है पर्स CN nets. ये ऐसी होती हैं मतलब ये थोड़ी सी मास्टर लेवल ऑफ फिशिंग होती है. अच्छी बोट्स होती हैं जो ऐसे मतलब बिछाती हैं नेट्स. तो कोर्ट ने बोला है फिर सेंटर को कि भाई सोल्यूशन बताओ कि अगर आपने बैन कर दिया है तमिलनाडु ने ये, तो भाई अब कोई तरीका तो बताओ इनको कि कैसे करें ये लोग. तब तो बोला कि या तो हम 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर जाके हम करें.
ह्यूमन क्लॉज के बारे में देख लेते हैं। तो ये लॉ ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 इंटरनेशनल अग्रीमेंट है दैट एस्टैब्लिशेस द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मरीन एंड मैरिटाइम एक्टिविटीज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द सी। तो पांच जोन्स में डिवाइड करता है, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूस जोन, ईईज़ेड और हाई सीज। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन विच स्टिपुलेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टेट जुरिसडिक्शन इन मैरिटाइम स्पेसेस। जो स्टेट जुरिसडिक्शन मतलब एक बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है मैरिटाइम स्पेसेस में मतलब जो वर्क करता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ लीगल डिफरेंट लीगल स्टेटस टू डिफरेंट मैरिटाइम जोन्स। प्रोवाइड्स अ बैकशोर फॉर ऑफशोर गवर्नेंस बाय कोस्टल स्टेट्स एंड दोज नेविगेटिंग द सीज। इट्स इट नॉट ओनली कोस्टल जोन स्टेट्स ऑफशोर एरियाज बट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर स्टेट्स राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द फाइव कंसेंट्रिक जोन्स। गाइडेंस भी देता है, सिर्फ लीगल एक बैकबोन नहीं देता है। सब लोगों ने साइन और रेटिफाई किया हुआ है, जितनी भी कोस्टल कंट्रीज हैं इन द साउथ चाइना सी। इट्स इंटरप्रिटेशन इज स्टिल हॉटली डिस्प्यूटेड। दिस इज अ मैरिटाइम डिस्प्यूट इन द ईस्ट चाइना सी एज वेल। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, बेस लाइन जो है इंटरनल वाटर्स होते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है आपका टेरिटोरियल सी आ जाता है। और नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेंजर इन इंटरनल वाटर्स, उसमें आपका कोई बाहर से आप आ नहीं सकते। और इनोसेंट कोस्टल स्टेट्स राइट्स आर लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज। अब टेरिटोरियल सी जो है हम देख लेते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। उसके कुछ फीचर्स देखते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। एक नॉटिकल माइल जो है बेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एंड इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड। इट इज़ स्लाइटली मोर देन अ लैंड मेजर्ड माइल, मतलब ठीक है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर्स। और द कोस्टल स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी। दीज राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सर्फेस बट ऑल्सो टू द सी बेड। तो द स्टेट्स हैव सॉवरेनिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल सी। दीज राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सर्फेस बट ऑल्सो टू द सी बेड, सबसॉइल एंड इवन एयर स्पेस। तो कोस्टल स्टेट्स के पास सॉवरेनिटी रहती है एंड ज्यूरिसडिक्शन रहती है टेरिटोरियल सी पे। दीज राइट्स एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सर्फेस बट ऑल्सो टू द सी बेड, सबसॉइल एंड इवन एयर स्पेस। सर्फेस पे नहीं रहती, पूरे पूरे एरिया पे रहती है। और कोस्टल स्टेट्स की राइट्स जो है लिमिटेड बाय द इनोसेंट पैसेज टू द टेरिटोरियल सी। इनोसेंट पैसेज यानी कि आप अलाउ कर देते हो बट विदाउट परमिशंस, विद ड्यू डिलिबरेशन, विद मतलब आप कोई रॉन्ग इंटेंशन, मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट करने के इंटेंशन से नहीं आ रहे हो, तो वो है। कंटिग्यूस जोन बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल और टेरिटोरियल सी से 12। इंटरमीडिएट जोन है बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड हाई सीज। और इसमें सब तरीके कोस्टल स्टेट की राइट है भाई कि तुम मेरे यहाँ पे आके फ्रंटियर जोन में तुम नहीं आ सकते। पनिश भी है, प्रिवेंट भी है, इंफ्रिंजमेंट ऑफ फिजिकल इमिग्रेशन सैनिटरी एंड कस्टम्स लॉ विद इन इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। अब कंटिग्यूस जोन में क्या हो जाता है, सिर्फ आपको ओशन सरफेस और फ्लोर पे आपको राइट है, एयर और स्पेस राइट्स नहीं है। वहाँ पे कोई और अपनी ड्रोन या अपना कुछ वहाँ पे लगा सकता है, अपना सैटेलाइट भेज सकता है या अपना वहाँ पे नेविगेशन कुछ कर सकता है, ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल है और सॉवरेन राइट्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉयटिंग, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड जॉय राइट्स टू कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वाटर, विंड, करंट। बस दो ही राइट्स है ये कि आप एक्सप्लॉयट कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज या अपने प्लांट्स अगर लगा सकते हो, बट आप किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते फ्रॉम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, सब्जेक्ट टू वेरी लिमिटेड एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस आपके उसमें मेंशन होंगे उसमें, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, सिर्फ ये दो चीज़ें कर सकते हो, किसी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते।
और हाई सीज है जो EEZ के भी आगे तक है, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड सबके लिए है, बियॉन्ड एनी नेचुरल ज्यूरिसडिक्शन नेशनल ज्यूरिसडिक्शन स्टेट कैन कंडक्ट अदर एक्टिविटीज इन दिस एरियाज एज़ लॉन्ग एज़ दे आर फॉर पीसफुल पर्पस सच एज़ ट्रांसपोर्ट मरीन साइंस एंड अंडरसी एक्सप्लोरेशन, सब कर सकते हैं। ठीक है, बस एक स्टेटमेंट दिया है जयशंकर जी ने कि परमानेंट मेंबर्स नॉट हरी टू सी यूएन रिफॉर्म्स, तो जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो तो मस्त इन्जॉय कर रहे हैं, बट वी डोंट हैव अ सिचुएशन वेर इन दे वांट टू सी द नॉन परमानेंट मेंबर्स लाइक इंडिया ब्राज़ील जापान, है ना। टुनीशिया की लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, टुनीशिया की लोकेशन देख लेते हैं एक बार, ये है मेडिटेरेनियन में, इम्पोर्टेंट तो नहीं है इस पेज पर। हाँ इस पेज पे इंडिया सेट टू आई $17 बिलियन कट इन फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी स्पेंड, फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करने के लिए भी 26% रिडक्शन होगा सब्सिडी पे। बस ये जानकारी होनी चाहिए हमें, गवर्नमेंट रेजेस विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट ऑफ डीजल ATF, तो विंडफॉल प्रॉफिट जो कमा रहे हैं, जो एकदम से जो प्रॉफिट कमा रहे हैं क्रूड ऑयल की वजह से, उस पर विंडफॉल टैक्स इंक्रीज़ किया है गवर्नमेंट ने। इतना इम्पॉर्टेंट है, सो आई थिंक इट्स डन फॉर द डे, लेट्स रिज्यूम टुमारो विथ 5th का न्यूज़पेपर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।